Now, next question, the total number of structure isomer possible for an amine with the molecular formula this. यहाँ पे आपको अमीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है और हमें इसके फिर से वही स्ट्रक्चर निकालने, तो स्ट्रक्चर निकालने का सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो आपका है डीयू निकालना. तो हम डीयू कैसे निकालेंगे, कार्बन प्लस वन माइनस ओके. तो इसमें कार्बन कितने आपके फोर प्लस वन माइनस हाइड्रोजन कितने हैं आपके इलेवन. कोई यहाँ पे आपका हेलोजन है, हेलोजन नहीं है तो जीरो. माइनस नाइट्रोजन कितना है एक, वन डिवाइडेड बाय टू. तो यहाँ कितना होगा फाइव माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो. अगेन इसके भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जीरो आई है तो इसमें भी कोई डबल बॉन्ड आपका नहीं होगा. तो चलिए अब हम बनाने की कोशिश करते हैं. तो देखिए यहाँ क्या है, अमीन दे रखा है. अमीन आपको पता है तीन डिग्री, तीन तरीके के होते हैं, वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री. तो आपको बच्चों को ये बताना है कि बेटा एक सिरे से स्टार्ट करना है, कि ऐसे नहीं है पहले वन डिग्री बनाया है उसी के बीच में आपको टू डिग्री बना रहे हो, ऐसे नहीं. पहले वन डिग्री के सारे स्ट्रक्चर बनाओ, फिर टू डिग्री के, फिर थ्री डिग्री, जिससे क्या है कि कोई स्ट्रक्चर आपका मिस नहीं होगा. क्योंकि ये है ही ऐसा कि इसमें आप भूल जाओगे बनाते बनाते कि हाँ सब बन रहे हैं कि नहीं बन रहे. इसलिए चलिए अब हम बनाते हैं पहले वन डिग्री. तो चार कार्बन है तो वन टू थ्री फोर. अब भले ही आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि फॉर्मूला सही बैठ रहा है कि नहीं. देखिए कितने कार्बन है, वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन है. हाइड्रोजन कितने हुए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन. तो इलेवन हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन. तो एक वन डिग्री अमीन बना, भी इसे वन डिग्री अमीन के चेन वाले बनाओ आप. एक पॉसिबिलिटीज है ये सी एच थ्री यहां आ जाए. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये सी एच थ्री यहां लग जाए. और इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी क्या है इसकी वन डिग्री अमीन की, कि वन डिग्री अमीन के साइड में थ्री डिग्री कार्बन लगा हुआ. तो एक पॉसिबिलिटी ये. तो वन डिग्री की सारी पॉसिबिलिटीज हमारी बन चुकी है, अब इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बची नहीं है. अब हम बात करते हैं टू डिग्री की. तो टू डिग्री में क्या होगा, एक साइड सी एच थ्री आ गया. ये एक तरीके से आप देख सकते हैं ईथर वाले जैसे केसेस इसमें हम बना सकते हैं. एक सी एच थ्री, तो एक सेकेंड थोड़ा इस साइड लिख देते हैं इसको. एक सी एच थ्री, तो यहां कितने एक दो तीन कार्बन आ गए. फिर इसके बाद जो आपकी पॉसिबिलिटी वो क्या बनेगी, दोनों साइड आपके क्या हो जाए दो दो कार्बन आ जाए. अब इसके भी पॉसिबिलिटी है टू डिग्री अमीन में भी, ये जो चेन है इस चेन आइसोमर बनने के पॉसिबिलिटी है. तो वो बनाते हैं हम, क्या बनेगा एक ये पॉसिबिलिटी है. इसके अलावा आप टू डिग्री अमीन में कोई आपकी पॉसिबिलिटी बची नहीं है. अब हम देखते हैं थ्री डिग्री, थ्री डिग्री में आपके क्या बन सकता है, एन एक साइड सी एच थ्री हो, इस साइड भी आपका सी एच थ्री हो, यहाँ पे आपका हो सी टू एच फाइव. अब देखिए सी एच थ्री, सी एच थ्री का तो कुछ और आप स्ट्रक्चरल या फिर स्ट्रक्चरल में कोई भी जैसे कि चेन पोजिशन बनाना चाहे तो बन नहीं सकता, और ना ही सी टू एच फाइव. तो इसके यही पॉसिबल स्ट्रक्चर है. फिर आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि वन डिग्री के सारे बने हैं, टू डिग्री के और थ्री डिग्री के सबके बने हैं कि नहीं बने. तो यहाँ पे आपके वन डिग्री अमीन के कितने स्ट्रक्चर बने हैं, वन टू थ्री फोर. ओके तो फोर बने हैं. टू डिग्री के कितने बने हैं, क्योंकि जैसे पिछले क्वेश्चन में आया इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि टू डिग्री अमीन के कितने स्ट्रक्चर बनेंगे थ्री डिग्री के. तो अब देखते हैं टू डिग्री के, वन टू थ्री, थ्री बने हैं. और थ्री डिग्री अमीन के कितने बने हैं, वो सिर्फ एक बना. तो टोटल कितने बने आपके एट. तो इसका आंसर क्या होगा, एट.